राजस्थान की सियासत में जब भी किसी मामले को लेकर सियासत गरमाई तो मामला सीबीआई तक पहुंचा, फिर चाहे मामला अलवर दुष्कर्म कांड का हो या फिर कमलेश प्रजापत एनकाउंटर का या फिर विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या का, यहां तक कि पिछले दिनों रीट पर मचे बवाल पर भी सीबीआई जांच की मांग हुई। अब सदन में कांग्रेस विधायक दिव्या मदेना ने कहा कि सीबीआई वो टूल है जिससे नेता अपने राजनीतिक विरोधियों की राजनीतिक हत्या करते हैं। आप भी सुनिए कि आखिर दिव्या मदेना ने सीबीआई की क्या परिभाषा बताई है। आपका प्रमुख एजेंडा है सीबीआई का, रीट पेपर लीक पर आप सीबीआई की जांच कराना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये सीबीआई दो सदन में लोग हैं जिनको शोभा नहीं देती, या तो आपको नहीं देती या मुझे नहीं देती। जब हम सीबीआई की बात करते हैं, क्या है सीबीआई, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट से लेकर आम व्यक्ति से पूछिए तो आप जानते हैं इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या है सीबीआई? ये वो टूल है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक हत्या करने के लिए। पॉलिटिकल मर्डर फॉर टारगेटिंग योर पॉलिटिकल अपोनेंट्स। क्या आप इस पर विरोधाभास रखते हैं? दिस इज द न्यू पॉलिटिकल कल्चर। पहले अरेस्ट कीजिए, फिर एविडेंस मैन्युफैक्चर करिए, ये सीबीआई। और आपने सुना होगा जब शांति धारीवाल जी कह रहे थे, जब हम आते हैं इधर तब हम सीबीआई को नहीं मानते, जब ये इधर आते हैं तब ये सीबीआई को मानते हैं, हम इधर आएंगे तब हम भी सीबीआई को मानते। मुझे लगता है कि सीबीआई का खेल अब बंद कर देना चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स तो आप लाते नहीं है, फ्लॉड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं। नाम बदलने में महारत है आपकी, मेरा एक सुझाव है आपको, नाम बदलने में महारत है। सार्वजनिक कर नहीं रहे प्रधानमंत्री की डिग्री, पक्का नाम बदलने में पीएचडी करी होगी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सेंटर ऑफ बायस इन्वेस्टिगेशन का नाम दे देना चाहिए। गांधारी ने कृत्रिम अडॉप्टेड अंधापन धारण किया, और मोदी जी जो कर रहे हैं आप सब ने वो अडॉप्टेड समग्र अंधापन धारण किया। कम से कम इसमें तो एक राय होइए और कहिए कि सीबीआई को प्रतिबंधित कीजिए। यह प्रताड़ित करने का क्रूरतम खेल नहीं तो अनवर्थ चलता रहेगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और मुझसे ज्यादा कौन जानता है सीबीआई की पीड़ा को, कौन समझ सकता है इस पीड़ा को? हम न्याय की उम्मीद में जीवन से चले गए, इन हाथों में मैंने उन्हें खो दिया न्याय की टकटकी के लिए। इसलिए सीबीआई के लिए, चाहे मैं इधर बैठूं सदन में, चाहे इधर बैठूं किसी भी, मैं सीबीआई की हिमायती कभी नहीं होंगी। और लास्ट में ये चार लाइन कहकर उस पीड़ा को जो सीबीआई के लिए बात करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि टॉर्चर करा जा सके, एक नया पॉलिटिकल टारगेट लिया जा सके, इस राजनीति से ऊपर उठिए। वही मुंसिफों की रिवायतें, वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। उनका जुर्म कोई और था, उनका जुर्म कोई और था, उनको सजा कोई और मिली। धन्यवाद।